Hey guys, I'm Shraddha and welcome back in my channel Shraddha Singh Law. और आज अभी नेक्स्ट डे हो गया है. मैं कल बलरामपुर आई थी. कल वाला ब्लॉग जिसने देखा होगा उसे पता होगा. और जिस जो फर्स्ट टाइम वॉच करें मैं बता दूं कि मैं कल अपने मायके बलरामपुर आई थी. पापा थे उनसे मिलने के लिए. तो मॉर्निंग में आज पापा तो चले गए हैं और हम लोग भी उठ उठ गए हैं. अभी थोड़ा सा मार्केट जाने की प्लानिंग हो रही है और फिलहाल तो जा रही हूँ मैं नाश्ता करने, चाय नाश्ता. एक बार चाय पी भी चुके हम लोग. उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं, मार्केटिंग में क्या शॉपिंग करते हैं. या वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत काम है उसको फिनिश करना है और क्योंकि शाम तक वापस गोंडा निकलना भी है. तो चलिए फिलहाल मैं देखती हूँ, सबको दिखाती हूँ मॉर्निंग में क्या हो रहा है और नाश्ता वगैरह करते हैं. उसके बाद फिर देखते हैं, नहा वहा के फ्रेश अप हो गया, रेडी भी होना है. ये देखिए किचन में खाना लंच बनने की तैयारी हो रही है. सास बहू मिलकर तैयारी कर रही है और चाय के बाद बनी है ये पाव भाजी नाश्ते में. किसने बनाया? काजल और इनके पति मिलके. अरे मेरे घर में सब शेफ है, मतलब मम्मी, भाई, भाभी, पापा. ये देखिए पाव लेके मम्मी खड़ी. हम सब तो शाकाहारी है. अच्छा, तो पाव भाजी में से शाकाहारी होता है? नहीं, मतलब जैसे हिंदुस्तानी खाना. ओ ओ, अच्छा अच्छा अच्छा. दाल चावल सब्जी रोटी, दाल वाली पूरी, दाल वाली पूरी. अच्छा अच्छा अच्छा. आई एम टैलेंटेड. अरे वाह, मतलब आप तो टैलेंटेड नहीं है, सुपर टैलेंटेड. नया टैलेंट चाहिए तो मेरे हस्बैंड से मिले. अच्छा, तो तुमसे किस लिए मिले काजल? चाय के लिए. काजल को चाय चाहिए तो काजल से संपर्क करें. तो ये नाश्ता बन के रेडी है और आज के नाश्ते में है पाव भाजी एंड सैलेड. फिलहाल तो ये मैं मम्मी को देने जा रही हूँ और उसके बाद फिर सब लोग बैठ के एक जगह नाश्ता करेंगे. और ये मम्मी का नाश्ता. मम्मी देखिए, मम्मी नहा वहा के रेडी हो गई है. आप यहाँ अपना कार्टून देख रहे हैं. तो अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी आद्यांत के लिए. यहाँ पे शॉपिंग हो रही है. तो ये देखिए मम्मी मेरी शॉपिंग करने बैठी हैं और कुछ लोअर टी शर्ट जो समर कलेक्शन होते हैं बच्चों के लिए, गर्मियों के कपड़े वही लेने आए हम लोग. और इसके बाद बस आज आद्यांत की शॉपिंग होनी है. तो ये देखिए कुछ ड्रेसेस हैं जो शॉपकीपर ने दिखाया. मम्मी एकदम परेशान कि उनकी पसंद का कुछ मिल नहीं रहा है. तो ये आद्यांत के लिए कुछ ड्रेसेस हैं. अभी लेने का मूड नहीं क्योंकि मतलब ठीक लग रहा है, कोई ख़ास नहीं. तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फाइनल हुआ है, थोड़ा बहुत लोअर एंड टी शर्ट्स गर्मी के लिए आद्यान के लिए. तो ये देखिए, होप सो कुछ आइडिया आप लोग को भी मिल जाए अगर आप अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया है. मम्मी को लोअर अच्छा लग रहा है. ये है रिशु. हाय करो रिशु. ये है टॉय शॉप जहाँ आद्यान के ढेर सारे टॉयज सब यहीं से जाते हैं. तो किसी को टॉयज लेना हो यहाँ आ जाए, बलरामपुर में अच्छे टॉयज मिल जाते हैं. अब चला भैया. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक समझ गए. यहाँ हम लोगों ने ये टैबलेट देखा है बच्चों का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक पे गोद देते हैं या वॉल्स ख़राब कर देते हैं. तो अगर उनको स्टार्टिंग की है राइटिंग की तो ये बेस्ट है. यहाँ पे वो लिखें, इरेज कर दें तो बच्चे से बिज़ी भी रहेंगे और मस्ती मस्ती में लिखना भी थोड़ा बहुत पेन पकड़ना सीख जाएंगे. तो मैं तो आद्यांत के लिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आद्यांत का एडमिशन करवाना है. तो ये मुझे अच्छा लगा आद्यांत के लिए. और भी बहुत सारे टॉयज़ हैं क्योंकि नानी आई हैं तो उन्हें तो एजुकेशनल टॉयज़ से कोई मतलब नहीं है, तो वो टॉयज़ ही लेती हैं ऐसे ही. तो यहाँ पे ट्रेन, टॉय ट्रेन देख रही हैं और ये एक वेलोसिटी वाला हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है. तो काफ़ी कुछ देखा गया है और ये मुझे भी एक्चुअली ये अच्छा लग रहा मॉडल जो है रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर. तो ये देखिए अभी ये ट्रेन को प्ले करके दिखा रहे हैं. तो मेरे बच्चे को तो टॉयज़ बहुत पसंद है और हर बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं. तो देखिए ये सब टॉयज़ हमने लिए हैं, बॉटल वगैरह आद्यान के लिए. तो शॉपिंग आद्यान की जो है वो पूरी हो गई है, टॉयज़ की, कपड़ों की. तो अब इसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके घर को निकलेंगे हम लोग. और ये देखिए ये एक जम्पर कार लिया गया है. थैंक यू. मैं अच्छा
अब हम लोग बहुत दिनों बाद ई रिक्शा से घर जा रहे हैं, और आप सब कमेंट करके बताना कौन कौन ई रिक्शा से या टुक टुक से मार्केटिंग करने या घूमने जाता है। और बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, एकदम खुली हवा ताज़ी ताज़ी मिल रही है, गरम गरम गर्मी वाली हवा। तो ये देखिए शॉपिंग भी हम लोगों की शायद सारी हो गई है लगभग लगभग, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ से लस्सी लेके जा रहे हैं ताकि जो गर्म गर्म हवा खाते हुए जा रहे हैं तो घर जाके रिफ्रेशिंग कुछ पी के मज़ा आ जाएगा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आप तो कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन ई रिक्शे पे घूमने जाता है बाहर, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हम लोग आ गए हैं घर, और ये देखिए आद्यांत के लिए ट्रायल्स आए हैं। आद्यांत अपने ट्रायल्स में बिजी हो गए देख के। ये भी दिखा दो, देखो कदो मम्मा लाई, नानी लाई, ये देखो मम्मा नानी लाई। तो देखिए अभी हम लोग, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वापस लौटना था, तो चाय वाय पी के सब लोग जा रहे हैं। मम्मी, काजल, विकास भी जा रहे हैं, एक्चुअली मेरे मामा भी मेरे यहाँ गोंडा सिटी में रहते हैं, तो उन लोगों ने इनवाइट किया है नॉनवेज पे, और हम लोग हैं वेजिटेरियन तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधे अपने घर जाएंगे। लेकिन मम्मी मम्मी जो हैं सब लोग हम लोगों को छोड़ के मामा के घर जाएंगी। बात सही है। हाँ हाँ, हम लोग आ गए घर, कोई नहीं निकला। अच्छा देखिए, तब मनु भैया कैसा था? बहुत अच्छा, घर आपके बिना काफी सुंदर लग रहा था। मस्त था ये। ये देखिए घर भर गया संजना। इसी ऑटो पे बिठा के दादाजी को कोर्ट ले जाएंगे बाबू। बाबू तो ट्रक रोक लेके आए। ध्यान से देखिए ऑटो है। ये देखिए हम लोग अभी यहाँ चाय पी रहे हैं, चाय बना के लेकर आए, और सब लोग चाय पी रहे हैं। मम्मी लोग तो अभी चली जाएंगी दावत खाने मामा के घर, और बाबू बिजी हो गए आते ही, चाचू उनकी ट्रेन फिक्स करने लगे। तो चाचू ट्रेन फिक्स हुआ कि तब से जूझे पड़े हैं उसी में। तो अब सब लोग जा रहे हैं मामा के घर, मतलब यहाँ से जा रहे हैं मामा के घर। अब ये लोग निकल जाएंगे बलरामपुर। तो चलो बाय मम्मी, और सब लोग जा रहे हैं वेज खाने। और लाइट चली गई मम्मी लोगों के जाते ही। हाँ लाइट गुल। हाँ तो चलिए फिर, अब जल्दी आइएगा, फिर जल्दी जल्दी मिलेंगे। अरे संडे फिर आएंगे मम्मी, फिर संडे कहाँ, हम कल आई जाओ, संडे ही तो है ये 24 तारीख को। हेलो माने दवाद आरती वरती हम लोग का उतारे हैं, कुछ नहीं वेट इतना कर रहे थे कि ये कुछ नहीं। मम्मी लोग अब यहाँ से निकल रही हैं गाइस, तो ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को टाटा बाय बाय। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें श्रद्धा सिंह लॉ। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद श्रद्धा सिंह लॉ।